गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी स्टार्ट द फर्स्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है. इसका ये नाम क्यों पड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड? इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में हम स्केल की बात करें तो स्केल की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है. जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 5/6. तो इसका इनाम इसलिए बड़ा क्योंकि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो सेम चार्ज किया जाएगा. सेम कि अगर आपने कोई 2 लाख की मशीनरी ली है और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन बनता है तो आप हर साल 20,000 डेप्रिसिएशन को चार्ज करो. That's why it is called straight line method. तो भी हर साल equal depreciation चार्ज करते हैं, इसीलिए इसका नाम equal installment method भी पड़ा और fixed installment method भी पड़ा. नाम से ही देखो कि equal installment pay कर रहे हो depreciation. हर साल आप 20,000 पे depreciation pay कर रहे हो every year. That's why it is called equal installment method. That's why it is called fixed installment method. इसका एक नाम और पड़ा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट होने में कि जिस वैल्यू में आपने एसेट को परचेज कराया हर साल आप उसी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन करोगे. आप ये नहीं है कि आपने 2 लाख की मशीनरी परचेज करी पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 20,000 पे 10% तो मशीनरी 1,80,000 लगी तो 1,80,000 पे डिडक्शन नहीं करेगा. इसे करेगा ओरिजिनल कॉस्ट पर जिस वैल्यू पर आपने उस एसेट को परचेज किया था उस वैल्यू पर आपका डेप्रिसिएशन. मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करता हूं. पहली बात तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला क्या है? अगर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10% 20% तो आप इजीली वैसे डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो. मान लो मशीनरी आपने ली है कि जिस करी उसका डेप्रिसिएशन 10% है हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा 20,000. पर अगर आपको डेप्रिसिएशन के रेट की जो है कुछ और आइटम्स दे रखी हैं जो हमारे यहां पे शो हो रही हैं तो उसके बेस पर आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टीमेट लाइफ ऑफ एसेट. कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है कि जिस वैल्यू पे आपने एसेट को परचेज किया दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एसेट. मान लो आज मैंने बाइक परचेज करी 4,000 में. अब मेरे को ये उम्मीद है कि 10 साल के बाद ये खत्म हो जाएगी. After 10 years, इस बाइक की वैल्यू जी खत्म हो जाएगी. ये बाइक बिल्कुल जीरो हो जाएगी. तो मैंने अनुमान लगा लिया कि इसकी एस्टीमेट लाइफ कितनी है 10 ईयर. तो दैट इज कॉल्ड एस्टीमेट लाइफ ऑफ एसेट. एंड स्क्रैप वैल्यू क्या है कि 10 साल के बाद जब मैं इसको बंगाल में बेचने के लिए जाऊंगा स्क्रैप के रूप में बेचने के लिए जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा. तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू. तो अगर हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एस्टीमेट लाइफ से तो हमारा क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन. कैसे आएगा मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करूं. ये जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रैक्टिकल. तो क्लियर करते हैं. आपने एक मशीनरी परचेज करी 1 अप्रैल 2007 को और उस मशीनरी की वैल्यू थी 1,90,000. उस मशीनरी को परचेज करने पर आपने उसको लगाने पर कुछ खर्चा पे करा दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दैट इज 10,000. तो टोटल मशीनरी को लगाने पर खर्चा कितने का आया 2 लाख. आप कह सकते हो कि आपको मशीनरी कितनी पड़ी 2 लाख. कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हुआ 2 लाख. दैट विल बी गुड हियर. कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख मींस माइनस स्क्रैप वैल्यू. अब उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू 6 साल के बाद कितनी होगी 50,000. मतलब 6 साल के बाद आप उसको बाजार में बेचने के लिए जाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी 50,000 होगी. तो हमने 50,000 स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया डिवाइडेड बाय एस्टीमेट लाइफ और उसकी एस्टीमेट लाइफ कितनी है 6 ईयर तो डिवाइड बाय 6 तुम्हारा डेप्रिसिएशन आ गया 25,000. अब आपको पता है कि जब हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. क्योंकि मशीनरी आपके लिए एसेट है. आप एसेट परचेज कर रहे हो एसेट के लिए डेबिट अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स तो एसेट अकाउंट डेबिट. तो यहां पे एसेट है मशीनरी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. गया क्या कैश क्या कैश भी आपके लिए एसेट है. डेबिट अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश आर कैश क्रेडिट. कब खरीदी मशीनरी 1 अप्रैल 2007 इतनी मात्र में क्लियर. उसके बाद अब पहले साल के एंड
अब पूरे साल मशीन भी यूज करेंगे ना, एक अपने दो जब साल की मशीन भी चेंज करें तो पूरे साल हम यूज करें तो साल के एंड तक उसी कुछ ना कुछ घिसावट ही होगी, उससे कुछ ना कुछ यूज होगा, तो जो घिसावट हो रही है पूरे साल में उससे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो गई होगी, और जो वैल्यू कम हो गई है सकी दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसको क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ऐसे की वैल्यू जब कम होगी तो हमें क्या होगा, एसेट कम हो रही है, लॉस हो रहा है, लॉस को हम डेबिट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन कौन कौन की करेंगे, डेबिट करेंगे, कुछ लॉस हो रहा है एसेट के रूप में तो मैं क्या हुआ लॉस हुआ, लॉस को तो डेप्रिसिएशन को करते हैं डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन को डेबिट इसलिए करा क्योंकि एसेट के ऊपर घिसावट हो रही है, और उस घिसावट को हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आपने जनरेटरी में भी करा होगा डेप्रिसिएशन कौन डेबिट मशीन, ये डेप्रिसिएशन कौन डेबिट एसेट। तो जब एसेट की वैल्यू पहले साल कम होनी है 25,000 पे तो एसेट की वैल्यू जब कम होगी तो लॉस होगा, लॉस को हम डेबिट करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑफ डेबिट। अब जब डेप्रिसिएशन लगा तो उसके लगा मशीनरी भी लगा तो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी कम होगी। अब मशीनरी की वैल्यू जब बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ये लगा रूल है डेबिट वर्ड कम से, जब मशीनरी आएगी वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट वर्ड हो जाओ तो मशीनरी जब जाएगी तो वैल्यू कम होगी तो क्या करेंगे क्रेडिट हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट, और आप यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना रहे हो मशीनरी अकाउंट बना रहे हो। जब आप जनरल एंट्री में जिस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो और आप वही अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में उस अकाउंट में एंट्री कैसे पास हो, नोटिस होगा मैं यहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में कहेगा टू कैश, इसलिए अपोजिट बात कितने रुपये मशीनरी अकाउंट 2 लाख रुपये, 2 लाख दो लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 4 साल तक चार्ज करना, क्योंकि आप जो डेप्रिसिएशन शो करोगे हर साल के एंड में, क्योंकि नॉर्मली बात है डेप्रिसिएशन कब लगेगा साल के एंड में लगेगा, तो साल के एंड डेप्रिसिएशन हर साल कितने लिखाओगे 25,000। क्यों, क्योंकि आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिलीज करोगे, क्योंकि यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो इक्वल चार्ज होगा, क्योंकि 4 साल तक आप ये सेम एंट्री करोगे। क्लियर, अब पहले साल के एंड में हमने एंट्री करी 31 मार्च 2008 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी को क्रेडिट कराए तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आएगा ऊपर बाय डेप्रिसिएशन। मैं पहले क्लियर कर दूं ये टू साइड है और ये बाय वाली साइड है, मैंने ये क्लियर करा मशीनरी को क्रेडिट करा है तो मैंने मशीनरी अकाउंट में कहां लिखा है क्रेडिट साइड, क्या जिसकी वजह से मशीनरी वैल्यू कम हो रही है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को कर दिया बाय डेप्रिसिएशन कितना 25,000। अब पहले साल मशीनरी 2 लाख की थी उसमें डेप्रिसिएशन लगा 25,000 का, तो पहले से कितना बचा 1,25,000, तो मैंने लिखा दिया बाय बैलेंस शीट कैरी कर लिया बैलेंस, ठीक है ना। अगर 50 रुपये में से 25 रुपये मैनेज करो तो कितना कैरी करोगे बैलेंस 25 रुपये, तो बाय बैलेंस शीट लिया। अब ये बैलेंस जो आज है अगले साल स्टार्टिंग में भी होगा, जो आज साल के एंड में जितने की मशीनरी है अगले साल के स्टार्टिंग में जितने की मशीनरी भी लो, तो इसीलिए इस बैलेंस को मैंने अगले ब्रोट डाउन कर दिया 31 मार्च 2009 मशीनरी को क्रेडिट करें मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या है बाय डेप्रिसिएशन।
25 11, क्योंकि आप यहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे तो हमेशा उस वैल्यू पे डिडक्शन होगा जिससे जो आपने उसको परचेस किया। इसी तरह आपके बड़ा ओरिजिनल कॉस्ट होगा कि ओरिजिनल वैल्यू पे डिडक्शन होगा। तो 25000 डिडक्शन दिखाया, 175000 से 25000 माइनस करके सेम बैलेंस 104000 और ये बैलेंस हमने फंक्शन कर दिया ब्रोड आउट। फिर से डिडक्शन लगा 30 ईयर 2010 में 3310 को, तो 3310 को डिडक्शन दिखाया बाय डिडक्शन सेम एंट्री डिडक्शन ऑन एक्टिव मशीन मशीनरी को रेड करा है तो मशीनरी को फिर कट से दिखाया बाय डिडक्शन सेम बैलेंस निकाल दिया 25000 फिर ये बैलेंस ब्रोड आउट कर दिया लास्ट साल ही क्योंकि हमने मशीनरी अकाउंट 4 ईयर का बनाया तो चौथे साल मशीनरी दिखाई फिर चौथे साल डिडक्शन कराया और बैलेंस कितना बचा 1 लाख। तो ये कितना बच गया 1 लाख रुपये डिडक्शन की एंट्री करी 31 मार्च 2011 क्लियर है। तो हमने अब इस बैलेंस को जो बैलेंस बच गया 1 लाख इसको प्रोड आउट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं आपको साफ शब्दों में एक बात क्लियर कर दूंगी, हर साल जो डिडक्शन चार्ज होगा वो इक्वल होगा, कभी भी डिडक्शन बढ़ेगा और घटेगा नहीं, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे डिडक्शन चार्ज होगा। इसीलिए इसका नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है? थैंक यू।